नंबर वन, अगर कोई डिश बेक होने से पहले ऊपर से जलने लगे तो उसके ऊपर धीरे से नॉनस्टिक स्प्रेड फॉइल का एक टुकड़ा रखें और बेक करना जारी रखें। नंबर टू, अपने मक्खन को फ्रीजर में रखें और फिर इसे बेकिंग और पेस्ट्री के लिए कद्दूकस कर लें। यह आटे में आसानी से मिल जाता है और जल्दी पिघल जाता है। नंबर 3, अक्सर खाना बनाते समय हम अनुमानों का उपयोग करते हैं और जब तेल की बात आती है तो हम सीधा कंटेनर से अंदाज से तेल डाल देते हैं। नतीजन कई बार खाने में तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खाना बनाते समय तेल के सटीक अनुपात का उपयोग करें। नंबर 4, अगर आप किसी फूड अप्लायंस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो एयर फ्रायर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो आपको 5,000 से 10,000 की रेंज में मिल जाएगा और इसमें आप समोसे, कचौड़ी से लेकर चिकन, पनीर और पकोड़े भी 2 बूंद तेल में तल सकते हैं। नंबर 5, यदि दही वाली अरबी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उसमें नमक अंत में मिलाएं। जब ग्रेवी पक कर गाढ़ी हो जाए, पहले नमक डालने से दही फट जाती है और सब्जी में दही का स्वाद भी नहीं आता है। नंबर 6, मटन को टेस्टी बनाने के लिए बेहतर होगा कि मटन को कच्चे पपीते के पेस्ट में मैरिनेट करके 10-15 मिनट तक रखें। इससे मसाले का फ्लेवर मत के अंदर तक चला जाएगा और खाने में मसालों का स्वाद भी आएगा। नंबर 7, कोई भी भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में मूंगफली पाउडर पीसकर भरें, खास तौर से स्टफ्ड भिंडी बनाते समय सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। नंबर 8, ग्रेवी के लिए मसाला पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खसखस और भिगोए हुए बादाम डालकर पीस लें। तेल में धीमे आंच पर भून लें। पैन के तेल छोड़ने पर निकाल लें। ठंडा होने पर पेस्ट को फ्रिज में रखें। यह पेस्ट 1 सप्ताह तक खराब नहीं होता है। नंबर 9, पीसने से पहले खसखस को 30-45 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें, फिर मिक्सी में पीस लें। इससे वह अच्छी तरह पीस जाएगा और खाने में उसका फ्लेवर भी आएगा। नंबर 10, बिना दरार के उबले हुए अंडे पाने के लिए उबलते पानी में थोड़ा नमक डालें, तब उन्हें सीधे ठंडे पानी में डाल दें ताकि योक अंडे के अंदर का हिस्सा को मलिन किरण होने से बचाया जा सके। नंबर 11, बच्चों को किसी विशेष आकार का सैंडविच चाहिए, चाकू की बजाय पिज़्ज़ा कटर का उपयोग करें, इससे आप मनचाही आकार पा सकते हैं। नंबर 12, बचे हुए पिज़्ज़ा या नान को गर्म करने से यह सूखा और बेस्वाद हो सकता है। माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा स्लाइस को गर्म करते समय साथ में 1 कप पानी रखें, उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। नंबर 14, चीज़ केक या पनीर जैसे नरम खाद्य पदार्थों को चाकू के बजाय डेंटल फ्लास के साथ काटने की कोशिश करें, इससे वो अच्छे से कटेंगे। नंबर 15, अपने कचरेदान को ताज़ा रखने के लिए उसे पहले धोएं और सुखाएं, फिर उसके तल पर कुछ बेकिंग सोडा छिड़कें। नंबर 16, अपने फूड प्रोसेसर, ब्लेंडर या किसी और उपकरणों के किनारों तक कड़ी सफाई के लिए एक पुराने बच्चे के टूथब्रश का उपयोग करें। सिप्पी कप जैसी छोटी जगहों के लिए कॉटन स्वैप चुनें। नंबर 17, क्या आपके स्टील अप्लायंसेस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं? एक पेपर नैपकिन पर थोड़ा सा जैतून का तेल डालें और उपकरण को अच्छे से पोंछ लें। नंबर 18, कढ़ी बनाने के लिए आपको सब्जियों की ज़रूरत नहीं है, बस हींग, लहसुन, मेथी दाना और कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर आप दही व बेसन की कढ़ी बना सकते हैं। इसे आप गुजराती, मराठी या राजस्थानी अंदाज में बना सकते हैं। गर्मा गर्म कढ़ी खाने से आपकी सर्दी भी भागती है और ठंडे मौसम में यह गर्माहट भी देती है। नंबर 19, घर में अगर मूंग, चने या उड़द के पापड़ रखे हैं तो बिना किसी झिझक के आप इसकी सब्जी तैयार कर सकते हैं। इसका चटपटा स्वाद शायद आपको भा जाए। नंबर 20, बिना टमाटर के कोफ्ता की ग्रेवी भी बना सकते हैं। लहसुन प्याज के साथ ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए भुने बेसन का इस्तेमाल करें या फिर मलाई की मदद से कोफ्ते की क्रीमी ग्रेवी बनाएं। लंच के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है और टमाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 21, पालक पनीर की सब्जी टेस्टी और हेल्दी दोनों होती है। इसे लंच या डिनर किसी भी वक्त तैयार किया जा सकता है, साथ ही इसका स्वाद भी बच्चों को खूब पसंद आता है। नंबर 22, करेले की सब्जी को बनाने के लिए भी टमाटर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे भुनकर या फ्राई कर बना सकते हैं, साथ ही बेसन के साथ मसालों को भरकर टेस्टी भरवा करेला भी खाने में टेस्टी लगता है।
नंबर 23, मौजूदा समय में प्लास्टिक का कंटेनर अनाज रखने के लिए उपयुक्त है। जिस किसी स्थान पर कंटेनर रखे वहां पर चारकोल बिछा दे। स्टोर रूम को बार बार ना खोले, लेकिन इसमें रखे अनाज को हर 15 दिन बाद चेक जरूर करें। स्टोर रूम हवादार हो। नंबर 24, किचन सिंक के नीचे ऑयल गैस बिल्कुल ना बनाएं, इससे आग लगने का खतरा होता है। नंबर 25, किचन सिंक के नीचे केमिकल प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, यह बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 26, हींग कभी भी तड़का लगाते समय ना डालें, इससे वो जल जाएगा और अच्छा स्वाद नहीं देगा। हींग हमेशा सब्जी या दाल बनने के बाद ऊपर से डालें, इससे हींग की अच्छी महक आएगी और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी। नंबर 27, खाद्य पदार्थ को खरीदते समय उसकी समापन तारीख एक्सपायरी डेट पर जरूर ध्यान दें, खास तौर से गर्मियों में इसे शामिल करते समय एक या दो बार सूंघकर जरूर देखें। नंबर 28, दूध से निर्मित पदार्थ, दही, अंडे और नॉन वेज, इन सभी में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें जितनी जल्दी प्रयोग में ला सकते हैं उतनी जल्दी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 29, एग वॉश बनाने के लिए एक बड़े अंडे को एक बाउल में डालें और उसमें एक चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से फेंटें। बेकिंग करते वक्त केक, पेस्ट्री जैसी चीज़ों को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। नंबर 30, अगर आप चाहते हैं कि पास्ता या नूडल बनाते वक्त वो अलग अलग रहे और चिपके नहीं, तो इसके लिए यह ट्रिक आजमाएं। नूडल या पास्ता को उबालने के तुरंत बाद ठंडे पानी के नीचे रखें, इस टेक्निक से आपका पास्ता अलग अलग रहेगा। नंबर 31, कुछ लोग कढ़ाई या पैन को गर्म करे बिना ही उसमें तेल और सब्जियां डालकर पकाने लगते हैं, यह गलत तरीका है। आपको पहले कढ़ाई तेज गर्म करनी चाहिए, उसके बाद तेल गर्म करना चाहिए और फिर अपनी सब्जियों को डालकर सॉटे करना चाहिए। नंबर 32, स्प्राउट्स को अधिक समय तक फ्रेश रखने के लिए इसमें नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रखें। नंबर 33, दही के पानी को आंच पर सुखाकर उसे 7 दिन तक रखा जा सकता है, जब चाहे थोड़ा थोड़ा लेकर सब्जी में इस्तेमाल करें। नंबर 34, चावल के दाने अलग अलग रहे, उबालते समय चावल के दाने आपस में चिपक जाते हैं, उन्हें अलग अलग करने के लिए पतीली में नींबू के रस की बूंदें छोड़ें, चावल के सब दाने अलग हो जाएंगे। नंबर 35, आटा चिमटता हो, यदि गुथा हुआ गीला आटा चिमटने लग जाए तो थाली की और हाथ को थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ी देर गूंथें। नंबर 39, बासी मक्खन की बदबू। बासी मक्खन को थोड़े से सोडियम बाइकार्बोनेट मिले हुए ठंडे पानी में कुछ देर डुबोए रखने से उसकी बदबू दूर हो जाती है। नंबर 40, चाय में टैनिन नाम का एक पदार्थ रहता है जो अधिक मात्रा में लिए जाने पर स्वास्थ्य और शरीर के रंग पर बुरा प्रभाव डालता है। इस टैनिन को कम से कम मात्रा में लेने के लिए चाय को बहुत देर तक रखा ना रहने दें। नंबर 41, चाय में अधिक पत्ती गिर जाने पर, चाय के पानी में अचानक पत्ती अधिक गिर गई हो तो फौरन पानी छानकर पानी अलग कर दें। नंबर 42, ताजी डबल रोटी को पानी में भिगी छुरी से काटे बड़ी आसानी से कटेगी। नंबर 43, घी जल जाए तो उसमें कच्चा आलू डालकर हिलाने से घी साफ हो जाता है। नंबर 44, यह देखने के लिए कि हींग असली है या नकली, जरा सा हींग आग में डालें, यदि वह तुरंत महके तो असली और देर में महके तो नकली। नंबर 45, कोशिश करें कि किचन में वो सारे अप्लायंस रखें जो आपके काम को आसान बना सके, जैसे मिक्सर, जूसर, ओवन, टोस्टर, मशीन, चॉपर। इन अप्लायंसेस का इस्तेमाल से आपका समय बचेगा।
नंबर 46, बाथरूम को एक बार में साफ करने के लिए क्लीनर को सभी जगह स्प्रे करें और एक ही बार में ब्रश में से साफ करें। टब, टॉयलेट और काउंटरों को भी उसी दिन साफ करें। नंबर 47, वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 48, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्ण नाराज हो सकती है। नंबर 49, भूल कर भी पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि वास्तु इसके खिलाफ है। ऐसा करने पे बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। नंबर 50, किचन और बाथरूम कभी भी एक सीधे में नहीं होने चाहिए, इससे परिवार में सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है।